92 का वर्ल्ड कप जब भी हम याद करते हैं तो ऑब्वियसली मैं तो उस टाइम तक 7 साल का था, और बहुत सारे इंस्पिरेशन, बहुत सारे जिसको कहते हैं ना हीरो पाकिस्तान टीम के उस टाइम पे बने थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो आई थिंक किसी भी यंगस्टर्स के लिए बड़ा एक इंस्पायरिंग मोमेंट था, और इसमें स्पेशली मैं जिस तरीके से सेमीफाइनल पाकिस्तान जीता था, इंजमाम भाई क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर वहीं से बने थे, तो मुझे हमेशा याद रहेगा वो सेमीफाइनल और इंजमाम भाई की विनिंग। सुबह उठ के जो है स्कूल जाना होता था, लेकिन वैसे तो स्कूल के लिए उठते नहीं थे, लेकिन मैच की वजह से थोड़ा और जल्दी उठ जाते थे, तो मैच थोड़ा सा देख के फिर स्कूल जाते थे। और 92 वर्ल्ड कप हम सबको याद है, अभी तक उसकी बातें होती रहती हैं और उनसे जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। 92 का वर्ल्ड कप हम जीते में हैं, और जितने भी प्लेयर्स खेले हैं उनके साथ खेलने का मौका भी मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का भी मौका मिला, तो वो जिनको हम टीवी पे देखते थे उनके साथ फिर मिलना और फिर उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, तो बहुत सी चीज़ें वो है ना कि बचपन की तरफ ले जाती हैं आपको, कि आप जिन जिन को देख देख के बड़े हुए उनके साथ आप रूम ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी जीत थी कि 92 वर्ल्ड कप हम लोग जीते। उसमें हमारे बहुत बड़े 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 लेजेंड थे, जिस तरह वसीम अकरम, इमरान खान, इंजमाम उलहक, जावेद मेदाद, तो ये हमारे नेशनल हीरोज़ थे। और इन लोगों ने जो वर्ल्ड कप जितवाया है, ये कौम का फ़ख्र है मेरे ख्याल में। वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम ने जीता 92 के अंदर, और जिस तरह उसके अंदर लीड किया इमरान खान साहब जो हमारे लीडर थे, इंस्पिरेशन है वो सारे वसीम अकरम लेजेंड, इंजमामुल हक, जितने भी लेजेंड गुजरे हैं उसके अंदर वो खेले, मेरे ख्याल से एक इंस्पिरेशन है। उसके बाद से जो 90s के जितने भी हमारे लेजेंड गुजरे उनको देख के काफ़ी मतलब क्रिकेटर्स बने, उनको देख के, उनको फॉलो करके, और मेरे ख्याल से वो एक बेस्ट मोमेंट था हमारे पाकिस्तान का जो कि हम वर्ल्ड कप जीते।